ஒட்டுது அவ பார்வை விழுந்துல பல் கொடியாச்சே. பாபுஜி தீர செல்லா காருமே ஜரா சம்பல்லா. बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे तल्लत तुम्हें हालत म्हणून जरा थांबांना वाचन दिसतंय काय हे रूप भिजलेलं आणि ते पहा शर्माजी हैं. हाँ है शर्माजी. हम उनके दुश्मन दोस्त हैं. अंदर आ जाए. जैसे शर्मा जी वैसे उनके दोस्त. मरो के अंदर नेत्तियल वच्च पोट्टे ये निंजान गुड़िये बोट्टे दे अब पारवय विलंबुल बल पोड़िया चे आप इंजन का नाम दी चुन चुन आजता है टोला मोर नजार पर सपन वाटता है. क्यों रे झींगे अब तू आया ना मेरे नेट में. अब देख मैं कैसे तेरा चीलका निकलती है. माफ करना गलती होगी मौसी. मौसी उन 19 साल की लड़की को मौसी बुलाता है. मैं तेरी माँ की भाई लगती है क्या. तेरे को तो हवलदार. किधर है हवलदार किधर. हेलो. आपकी रातों को जगाने आपके सपनों को सजाने मैं सुलू. दिल के बटन से फोन लगाइए और मेरे से बात करिए. करेंगे ना. गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कचरे ने ले ली मेरी जान. हाय रे मैं तेरे कुर्बान. ऐसी नासमझी तुम्हारी थी कि जब चाह आकर कंगन पहना गए जब चाह चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं. तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं. चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले पर कभी किसी को धोखा नहीं देते. अरे यार धीरे बोला करो यार. तुम्हारी आवाज हमको बहुत चुभने लगती है. आजकल बहुत चुभ रही तुमको हमारी आवाज है. हाँ चुभ रही तुम्हारी आवाज. हाँ तो मार देगा घंटा खींच के. आज जैसा हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए आगे. बता दे रहे हैं समझे. यार धीरे बोला करो. थोड़ा धीरे नहीं बोल पाएंगे हम. तो ठीक है चिल्लाओ फिर पूरे मोहल्ले में बताओ कि हाँ लड़ाई हो रही इनके यहाँ आज. हाँ तो वो तो बताएंगे ही. और पता भी चलना चाहिए. घंटी बजा रहे तो पगलैती कहाँ हो रही.